जय माता जी, राम राम, सीता राम। इस हमारा तूफान है, एक महीना 12-13 दिन का है, एक मंथ और 12-13 दिन का है। इसकी माँ तो अभी दूध ज़्यादा नहीं दे रही है, लेकिन इसको काकरेज गाय और गिर गाय दोनों को मिलके 10-12 लीटर 4 टाइम से दूध मिलता है। ये 1.5 महीना के आसपास है, 1.5 मंथ, और बढ़िया हट्टा कट्टा हो गया है, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, गाय का दूध मिलता है। तो देखो ये बहुत तंदुरुस्त है और उसको कोई तकलीफ नहीं आई है। इसकी माँ थोड़ी गर्भ मिजाज की है तो दूध नहीं पिलाती है। देखो ये तूफान भी इतना कर रहा है, ये तूफान लाइन का है और बहुत बढ़िया तगड़ा घोड़ा होगा, लेकिन 20 में थोड़ा कमज़ोर हुआ था क्योंकि उसकी माँ ज़्यादा दूध नहीं दे रही। और बहुत लोग ऐसा बोल रहा था कि ये घोड़े के बच्चे को दूसरा दूध मिलेगा तो झाड़ा हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। इसको कुछ नहीं हुआ, इसको थोड़ा थोड़ा करके सीधा गर्म दूध ही पिलाना चाहिए। काकरेज होगी, गाय गिर होगी, अब 100 ग्राम से आप चालू करेगा ना तो कुछ नहीं होगा। हमने ये 100 दिन का था तब से दूध चालू कर दिया था, अभी उसको 12 लीटर तक पोसा दिया है, लेकिन 4-5-6 टाइम देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। हम अभी ये उसको 4 टाइम देते हैं, सुबह 7 बजे, दोपहर पे 12 बजे, शाम को 7 बजे और नाइट में 12 बजे के आसपास। तो ये 12 लीटर के आसपास दूध पी जाता है। ये उसकी माँ दूध नहीं पिलाती प्यार से, तो वही प्रॉब्लम है। ये देखो ये उसको बांध के ही रखा है दो साइड से, ये ज़्यादा नहीं मारती, छोटा मोटा काट लेती है। ये हमारी लक्ष्मी है, प्रभात की बेटी है, बहुत शान घोड़ी है। शान तो आलिशान भी है, लेकिन उसके बच्चे से ज़्यादा दूध नहीं पिलाती है, 2-3 मिनट पिलाती है। ये बहुत प्यार से उसको रखा है, इसका नाम है महादेव। और जब से आया तब से ये बड़ा ही उसको दूध मिलता है, उसकी माँ को ना, उसकी माँ का दूध बड़ा मिलता है और बड़ा हाइड वाला होगा। ये तूफान से भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसको कोई रुका नहीं था, और उसकी माँ बहुत उससे सहने वाली है। आप उसके पास जाएगा ना तो 20-20 में आ जाएगी। ये 2 महीना के आसपास हुआ है, ये 2 महीना से अंदर ही होगा क्योंकि ये तूफान से 10 दिन बड़ा है। लेकिन जब जन्म हुआ था तब तूफान बहुत हट्टा कट्टा था, लेकिन उसकी माँ ने दूध नहीं दिया ना, उसमें दूध है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि कोई घोड़ी में ज़्यादा होता है कोई में कम होता है, तो इसमें दूध ज़्यादा है। और ये देव घोड़ा करके है, उदयपुर पैलेस लाइन का, ये उसका बच्चा है, हम इसको सुबह ही लाए थे। ये बहुत हाइड वाला होगा, ये तूफान से ही मेरे से लगता है हाइड वाला होगा, और हट्टा कट्टा भी बहुत बढ़िया। और उसकी माँ बहुत प्यार से उसको बस दूध पिलाती है, बहुत दुलार करती है। और ये हमारे घर पे हीरामणि खड़ है गायों और घोड़ियों के लिए, इसमें लाखों की तादाद में छकली आती है। आज सुबह का वीडियो, ये शाम को आती है 6 बजे के आसपास से चालू हो जाती है, 1 घंटा में तो वहाँ मेरे हिसाब से लाखों के तादाद में आ जाती है, क्योंकि ये ही उसका आशियाना है। कभी कभी हमारे घर खड़ को कटाई करना है तो हम रुक देते हैं, क्योंकि एक साइड छोटा खड़ होता है तो वहाँ नहीं बैठ सकती ये लाखों की तादाद में, तो इसीलिए हम इसको
आधा बीघा का खड़ हमेशा बड़ा रखते हैं, ये गायों के लिए भी नहीं काटते, रुक देते हैं, जो दूसरी साइड बड़ा हो जाता है तब काटते हैं। ये तो हमारे पास कोई हाई फाई मोबाइल भी नहीं है और ऐसा किमोरा भी नहीं है, लेकिन आपको पत्ते पत्ते पे मिलेगी, ये हर पत्ते पे छकली है, ये 5 बीघा का है, 2 एकड़ के आसपास का घास है, उसमें हर पत्ते पे आपको ये छकली मिलेगी। ये सबको आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है, सब छकली है, अभी जा रही है कोई खाना खाने के लिए, तो ये उसका आशियाना है, इसलिए हम उसको आधा बीघा का तो हमेशा बड़ा खड़ रखते हैं, एक साइड पूरा हो गया तो दूसरी साइड वो चली जाती है बैठने के लिए, तो ये ही उसका घर है, उसको तो कोई दूसरा घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये इतनी बारिश होती है तो भी यहाँ रहती है, ये भी तंग तो आ गई है, इसलिए हम बारिश रुकवाने के लिए बोलते हैं भगवान को कि आप रुकिए, ये वो भी ज़्यादा बारिश होती है तो मर जाती है, तो वही हमारे को तकलीफ रहती है, हमारे को उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे को कुछ नहीं देती, लेकिन ये हमारा धर्म है कि हम क्षत्रिय है तो दूसरे का रक्षण करना ये हमारा काम है, तो ये करना ही पड़ेगा। ये बहुत खूबसूरत भी लगती है, बहुत बढ़िया नज़ारा भी है, और जब शाम को आती है तो बहुत बढ़िया नज़ारा लगता है, और जो थोड़ी देर तक नहीं आती तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं आई है आज, तो लेकिन आ जाती है। ये बारिश के टाइम बहुत आती है, वो बारी महीना हमारे घर पे रहती है, लेकिन ये बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा आती है, वो कहाँ बच्चा देने के लिए, ये जब सर्दी की सीजन आती है तब कम आती है, और ये हमारा बड़ा डूंगर है, पहाड़ हुआ इसमें, ये जंगल एरिया ही है, नहीं यहाँ से गुजरा है भाणवर से, देवभूमि द्वारका जिला है और पोरबंदर, दोनों के बीच में बहुत बड़ा जंगल है, बहुत पहाड़ी एरिया है इसमें, ये जंगल ही है, क्योंकि इतना तो मोबाइल हाई फाई नहीं है, दिखाई नहीं देता, इसमें भी मालधारी कोई कोई रहते हैं, और उसमें लेपर्ड भी रहते हैं, और अभी तो ये बारिश है तो बहुत जाड़ी भी है इसमें, तो मैं तो रोड से गुजरा था, मैं इधर भाणवर से राणावल साइड हमारी साइड जा रहा हूँ, तो ये बहुत गहरा जंगल है, खन्ना जंगल भी है, और इसमें जानवर भी रहते हैं, ये रोज़ रहते हैं, हमारे नीलगाय बोलते हैं, हमारे इधर रोज़ बोलते हैं, वो भी बहुत रहती है ताज़ा, इधर ये हनुमानगढ़ है, वहाँ कृष्णा होटल है, वहाँ मैं खाना खाने के लिए रुका था, तो हम तो ये सादा ही खाते हैं, बाजरी की रोटी और ये 2-3 सब्जी है, हम तो एक ही सब्जी खाते हैं, ज़्यादा सब्जी नहीं खाते, ये उड़द की सब्जी थी, उड़द की वही खाते हैं हम, सेव टमाटा था, और दूसरी भी सब्जी थी, इसमें ये बाजरे की रोटी है, दही है और पापड़ भी है, और साथ से ये बढ़िया खाना भी देसी बनाते हैं वहाँ, आप कभी आएगा तो वहाँ देखना पोरबंदर के पास जय